भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ढोल नगाड़ों के साथ में भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। कार्यकर्ता प्रत्याशी के अलावा भी टोली के रूप में निकल रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर केंद्र नेतृत्व में बूथ स्तर और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों में उतारा है। कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज प्रत्याशी के साथ में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ की तो चलती क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही जोश और बहुत ही अच्छा जनता हाथों हाथ भगवान सिंह कुशवाहा जो हमारे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के हाथों हाथ ले रही है। ढोल नगाड़ों के साथ में भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। कार्यकर्ता प्रत्याशी के अलावा भी टोली के रूप में निकल रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त माहौल है, सभी लोग योगी में और मोदी में हो रहे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में सब मतदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी लहर है। हमारे प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छे मत से यहाँ से जीत के विधानसभा पहुँचेंगे। कार्यकर्ता माहौल बनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।